लोकसभा चुनाव नतीजों से आहत मायावती अगले 48 घंटे में ले सकती हैं कोई बड़ा फैसला। इससे पहले बहन जी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा गया। 2014 वाला हो गया बीएसपी का हार, खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी। जो पार्टी सत्ता में रही वो अब कहीं की नहीं बची। हालातों ने बहन जी के दिमाग को बना दिया चकरघिन्नी। क्या लगता है फिर बदलने वाली है बीएसपी की तस्वीर? और कई विकेट गिरने के मिल रहे संकेत। क्या अब की बार मिश्रा जी की कुर्सी को भी है खतरा? लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मायावती ने ऐसे ऐसे दावे किए थे कि लगता था कि अब की बार तो बहन जी आर या पार के मूड में हैं। लेकिन जब नतीजों का ऐलान हुआ तो मायावती की पार्टी का खाता उत्तर प्रदेश में खुल भी नहीं पाया। उनका हाल 2014 वाली बीएसपी के जैसा हो गया। 2019 में उन्होंने सपा का साथ लेकर 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार एक हट गया और 10 वाला जीरो सिर्फ बचा है। नतीजों के आने के बाद से मायावती का दिमाग चकराया हुआ है और अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी में बड़े विकेट गिर सकते हैं और हो सकता है कि 48 घंटे में मायावती इसकी शुरुआत भी कर दे। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अब की बार सतीश चंद्र मिश्रा की कुर्सी भी जा सकती है। मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़े नेताओं के साथ मीटिंग के बाद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सभी सीटों पर मिली शिकस्त का ठीकरा जोनल कोऑर्डिनेटर पर फोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशी चयन का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया था। मायावती रविवार तक लखनऊ में रिपोर्ट के आधार पर बैठक बुलाएंगी। पार्टी सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की दोबारा वापसी हो सकती है, ताकि नगीना सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की ओर दलित युवाओं के झुकाव को रोका जा सके। आकाश ने अपनी चुनावी जनसभाओं में अपने तेवरों से युवाओं को काफी प्रभावित किया था। लगातार उनकी वापसी की मांग की जा रही है। इसके अलावा बीएसपी युवाओं के साथ महिलाओं को भी पार्टी के साथ जोड़ने की नई मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली को बीएसपी से निष्कासित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के अलावा बीजेपी प्रत्याशी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना भी निष्कासन का कारण बना है। माजिद अली ने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारणों पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से विस्तृत रिपोर्ट लेकर बुधवार को समीक्षा की। उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी से लेकर कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्षों की निष्क्रियता को बीएसपी की करारी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं जिन सीटों पर बीएसपी को दलित वोट बैंक भी हासिल नहीं हुआ वहां के जिला अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। माना जा रहा है कि संगठन में भी बदलाव किया जाएगा और बड़े पदों पर बैठे कुछ नेताओं को हटाया जाएगा और नए को मौका दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को हराने वाले दल का चयन उनके मूल मतदाताओं ने किया है, इसलिए जनता के बीच ये संदेश पहुंचाना जरूरी है कि यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने में बीएसपी का भी योगदान है। आगे भी पार्टी उसे हार का मुंह दिखा सकती है। बीएसपी बी टीम के ठप्पे से मुक्ति पाना चाहती है, जो कि अभी कठिन दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों में हार के कारणों की बात की जाए तो इसमें प्रत्याशियों का चयन बहुत देर से किया गया। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीएसपी न केवल एक दशक बाद फिर शून्य पर सिमटी, बल्कि उसका वोट बैंक भी 10% से ज्यादा खिसक गया। देश भर में भी बीएसपी का वोट बैंक 2.25 करोड़ से घटकर 1.32 करोड़ ही रह गया। प्रदेश में अकेले लड़ी बीएसपी को इस बार मात्र 9.39% वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।